Hello everyone, today we are going to discuss the difference between order and decree in CPC, that is Code of Civil Procedure 1908. To start with, let's see what is an order, what is the definition of an order. Order means bar the formal expression of any decision.

द अवॉर्ड अंडर सेक्शन ट्वेंटी सिक्स ऑफ लैंड एकवजिशन एक्ट लैंड एकवजिशन एक्ट के सेक्शन ट्वेंटी सिक्स के अंडर में जो भी अवार्ड किए जाते हैं वो कहलाते हैं ऑर्डर्स दूसरा ऑर्डर अंडर सेक्शन नाइन्टी एट ऑफ द रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आर पी ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत भी सेक्शन नाइन्टी एट के अंडर में जो भी कुछ दिया जाता है दैट इज़ एन ऑर्डर लास्ट इज़ ऑर्डर ऑफ अवार्ड ऑफ डेप्थ बोर्ड अंडर द हैदराबाद एग्रीकल्चर डेटर्स रिलीफ एक्ट इज़ नॉट एन ऑर्डर तो ये आप ध्यान रखिएगा दो ऊपर वाले जो थे वो ऑर्डर्स थे लेकिन स्पेशली मेंशन है कि अवार्ड ऑफ डेफ्ट बोर्ड अंडर हैदराबाद एग्रीकल्चर डेटर्स रिलीफ एक्ट इज़ नॉट एन ऑर्डर नाउ लेट्स कम टू द वेरी इंपॉटेंट डिफरेंस बिटवीन

दूसरी बात अ सेकेंड अपील ऑल्सो लाइज ऑन द ग्राउंड मैंशन इन सेक्शन हंड्रेड सी पी सी सेकेंड अपील भी लाई करती है अगर डिसीजन दिख रही है ऑन द ग्राउंड मैंशन इन सेक्शन हंड्रेड सी पी सी बट वेन एन एजुकेशन इज एन ऑर्डर जब भी कोई एजुकेशन ऑर्डर होता है तो फिर उसमें कोई अपील नहीं होती है नो अपील लाइज देयर फॉर्म अनलेस इट इज़ वन ऑफ द अपीलेबल ऑर्डर अगर ऑर्डर अपीलेबल है तभी अपील हो सकती है अन्यथा ऑर्डर के केस में अपील नहीं होती है डिक्री के केस में फर्स्ट और सेकंड अपील लाई करती है एंड दिस रिगार्डिंग द ऑर्डर ये अन uh, इसकी अपील नहीं हो सकती है इट इज़ मैंशन इन सेक्शन वन जीरो फोर सी पी सी एंड नो सेकेंड अपील ऑल्सो लाइज इन दिस केस दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है द डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्डर एज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिग्री क्लियरली पॉइंट्स आउट द डिस्टिंगशन बिटवीन द डिग्री एंड द ऑर्डर जो डेफिनेशन है ऑर्डर की कि वो फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ एनी डिशीजन ऑफ द सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिग्री उस पूरी डेफिनेशन में खुद ही लिखा है कि विच इज़ नॉट अ डिग्री ये क्लियरली पॉइंट आउट करता है कि डिग्री और ऑर्डर में बहुत बड़ा फ़र्क होता है तीसरी बड़ी बात डिग्री में भी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल बट देर इज़ नो सच डिस्टिंक्शन इन केस ऑफ ऑर्डर चौथी बात है कि अ डिग्री फाइनली डिटरमाइंस द राइट ऑफ पार्टी डिग्री जब भी पास होगी तो राइट ऑफ द पार्टीज तो डिटरमाइन होगा ही बट देर इज़ नो सच डिस्टिंक्शन इन केस ऑफ ऑर्डर्स दैट मीन्स ऑर्डर मे और मे नॉट उसमें कभी कभी होता है कि हाँ डिसाइड uh, हो जाता है बट ऑर्डर नेसेसरली मे और मे नॉट फाइनली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टीज फिफ्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ डिक्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम सूट फायर बाय द प्लेंटिव बट एन ऑर्डर मे बी मेड ऑन एप्लीकेशन तो डिक्री हमेशा सूट के ऊपर होती है जो प्लेंटिव फाइल करेगा लेकिन ऑर्डर जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर भी हो सकता है अब दोनों ही टर्म्स में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं ऑर्डर और डिग्री में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं आइए उनको देख लेते हैं जल्दी से पहली बात बोथ आर गिवन इन बोथ आर गिवन बाय कोर्ट दोनों ही डिग्री और ऑर्डर कोर्ट देता है दूसरी बात बोथ आर फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट ये दोनों ही फॉर्मल एक्सप्रेशन हैं तीसरी बात बोथ रिगार्ड विद मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी दोनों ही कॉन्ट्रोवर्सी के मैटर के ऊपर दिए जाते हैं और चौथी और आखिरी बात बोथ आर मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट दोनों ही के, के केसेस में सी के कोड को फॉलो किया जाता है सो दीज वार वेरी बेसिक सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द टू टर्म्स न दिस इज़ कीर्ति विश्वकर्मा साइनिंग ऑफ होप यू आर स्टडिंग वेल गॉड ब्लेस यू ऑल